10 पर वापस हम लोग हैं, चल दिए अपनी नई डेस्टिनेशन पे रास्ते पे घूमते हुए। तो आज हमें पहुंचना है जयपुर, निकले हम अहमदाबाद से और इस पर टेंपल देख के अगर आपको शायद पता लग रहा हो, अगर आप अहमदाबाद के हो तो हम लोग हैं एसजी हाईवे पे। तो एसजी हाईवे ऐसा रास्ता है कि मैं इतने साल यहाँ पर रहा हूँ, यहाँ हमारा नाइट आउट हो रही है, पूरी रात रात भर हम लोगों ने खाना खाया है, इतने मतलब जलसे के कि पूछो ही मत। बहुत सारी पुरानी यादें है रास्ते से घूमने की, खाने की, नाइट आउट की, बकचोदी करने की दोस्तों के साथ। वैसे ही देखा आगे ऑलमोस्ट कुछ किलोमीटर के बाद मेरी कॉलेज आएगी जो मैं यहाँ पे निर्मा में पढ़ा हुआ हूँ। और आज का हमारा है कि हर बार मैं आबू रोड से जयपुर गया हुआ हूँ, बट पहली बार मुझे ट्राई करना है कि उदयपुर वाला रास्ता कैसा है। तो इस बार हम लोग उदयपुर होते हुए जयपुर जा रहे हैं, देखते हैं कितना मजा आएगा, कितना इंटरेस्टिंग सफर रहेगा हमारा। तो फिर मिलते हैं हम आगे रास्ते में बातें करते हुए। सो ये रहा बड़ा सा बोर्ड निर्मा का और वो बड़ी बिल्डिंग है ना, वो लास्ट में जब हम लोग पढ़ाई करके उठे तब बनी हुई थी। और ये है एसजीबीपी, यहाँ पे मैं 6 महीने रहा यार। कॉलेज आते भी सुबह 6 बजे हमको आरती करने जाना पड़ता था नीचे बट बहुत सही जगह थी और ये जाइडस भी तब बन रही थी जब हम लोग पास आउट कर रहे थे। शंभूस कैफे हम लोगों ने मतलब मोस्टली सब एक्सप्लोर कर रखा है। वहाँ पे लाल भाई का कैफे था, वहाँ पे हम लोग पाव पाव सब वगैरह वगैरह खाते थे। दिनवा का टाइम तो अलग ही था, और यहाँ पे एक सिग्नल हुआ करता था और वहाँ पे मंदिर था जहाँ पे हम लोग काफ़ी बार जाते थे दर्शन करने के लिए। और आगे एक आएगा जहाँ पे गांठिया रथ था, वहाँ पे हम लोग गांठिया खाने जाते थे। यार बहुत सारी जगह है यहाँ पे आसपास, हम लोग इतना घूमे हैं, इतना किया है ना। Okay, so finally हम लोग राजस्थान बॉर्डर पे आ चुके हैं। आई गेस 9:30 को हम लोग निकले थे और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 11:53, ऑलमोस्ट 12। अभी तक का रास्ता बड़ौदा से यहाँ तक का बहुत ही बेस्ट है, एक्चुअली अहमदाबाद से यहाँ तक का बेस्ट है। मतलब ऐसा तगड़ा रास्ता है ना कि मज़ा आ जाएगा, हर तरफ देखते ही जाओगे क्या है क्या चल रहा है। तो बहुत सही जा रहा है अभी तो। हम लोग नाथ द्वारा पहुंचे, नाथ द्वारा, और वहां पे देखो शंकर जी की मूर्ति दिख रही है। ओ भाई साहब बहुत ही बड़ी दिख रही है वहां से तो। शिव जी खतरनाक मूर्ति दिख रही है, खतरनाक मतलब बहुत ही बड़ी है। पता नहीं अब तो दिख ही रही होगी शायद। शिवजी आई गेस वहां तक बाइक लेके नहीं जाने देते, पीछे देखा हमने, चल के जाना पड़ेगा। बट कितनी बड़ी मूर्ति है ना। सो अब हम लोग निकल रहे हैं जयपुर से, सुबह के बज के 9:15 हो चुके हैं, बहुत ही लेट है। और आज का हमारा टारगेट है चंडीगढ़ पहुंचना। तो हम लोग रुके थे द गोल्डन डेज क्लब में। सो द गोल्डन डेज क्लब सही था, ऐसे रूम तो काफ़ी सही थे, पूरा रिजॉर्ट है। तो कल हमने 2-3 कॉल किए, ढूंढा कि कहाँ जाएंगे और इनका सही लगा तो हम आ गए। जहाँ पर मैं पहले रुकता था उस साइड पे थी और ये एग्जैक्टली मेन रोड पे ही है। तो अगर आपको सीधा की डायरेक्ट ट्रैवल करना है तो यहाँ पे रुक सकते हो, वहाँ से जोते हुए अंदर चले जाओ, यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाओ। अगर जयपुर टू चंडीगढ़ जाना है तो फिर यही रास्ता लगाएंगे तो अच्छा है। अभी तक तो बहुत सुधर है, हमने जस्ट एंटर ही किया और जस्ट रास्ता देखो, एक तो ट्रैफिक नहीं है और आराम से 100 पे क्रॉस कर पा रहे हैं आराम से। सो हम ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं
हमारी डेस्टिनेशन 40 किलोमीटर है और बाइक थोड़ी झुक गई थी तो एक पाजी ने हेल्प कर दी। कह रहा था सनसेट होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं, बात अलग है। और 40 किलोमीटर जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अंदर वाला रास्ता है और हम आराम आराम से चलेंगे। अब बात ऐसी है कि हम लोग हैं चंडीगढ़, बज चुके हैं 11 और हम लोग निकले ऑलमोस्ट 10:30 को, क्योंकि आई गेस 5 घंटे का ट्रैवल था। बट पहाड़ों में जो गूगल बताता है और जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो अभी हमें जाना है लाइडा हमारे व्यवितम भाई के घर पे, और वहाँ की उनकी होम स्टे है। बट वहाँ पे जाने का मज़ा ही हो रहा है। हर साल मैं जब जब भी आया हूँ मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ, ऑलमोस्ट मैं तीसरी बार जा रहा हूँ उनके वहाँ पे, और उनके वहाँ का मज़ा ही अलग है। और जो मेहमान नवाजी है वो तो बात ही मत करो। तो अभी तो हम निकले हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे पहाड़ों को टच करने में, बट अब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ बुला ही रहे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, और हम लोग पहुँच रहे हैं। सो फाइनली हम लोग पहाड़ों में पहुँच चुके हैं। अभी तो हमने सिर्फ एंटर ही किया है और प्यारे प्यारे नज़ारे चालू हो चुके हैं। जाना तो हमें बहुत ही दूर है, इतना भी दूर नहीं बट जाना तो दूर ही है। देखते हैं, इस बार का ट्रिप का बस एक ही है कि हम सब एक्सप्लोर करेंगे, जितनी चीज़ें हो पाए। हमें बहुत प्यारी प्यारी जगहों पे ही जाना है, और हिमाचल हिमाचल है। तो ये रहा मनाली जाने का रास्ता, और सीधा जाएगा हमारा तीर्थन। तो हमें जाना है स्ट्रिक्ट, और मनाली नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि और टनल है और मुझे लग रहा है काफ़ी दूर लोग आके जाना है। तो देखते हैं आगे चलेंगे हम धीरे धीरे। एक्चुअली काफ़ी लोग जा रहे हैं उधर तक, तो हमें रोक ही नहीं होती तो हम चले जाते हैं। देख सकते हो वहाँ पे आग लगी है, मुझे नहीं लगता किसने लगा ही है, बट इतनी ठंड में भी इतनी ज़्यादा आगे लगना बहुत मुश्किल बात होती है। और मुझे देख रहा है काफ़ी सारी एक्चुअल में चीज़ें जल चुकी हैं और पूरा जंगल जल रहा है। एक्चुअली बहुत ही बुरी बात है। आई होप कि कोई बुझाने के लिए जा रहा होगा तो कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, बट बहुत ही ख़तरनाक आग लग रखी है वहाँ पर। फाइनली हम लोगों ने तीर्थन पर थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं और गर्मी तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरा बर्फ पे चल रही, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है वो ठंडी है। और ये पूरी वैली है, ये तीर्थन वैली तो नहीं है, तीर्थन आगे आएगी, बट क्या लग रहा है देखो, व्यू इज लाइक माइंड ब्लोइंग। उसके बाद ठंडी तो पूछो ही मत, खतरनाक ठंडी हो रखी है अभी तो, सीरियसली खतरनाक है। मैंने दोबारा भी गलती की है कि मैं वापस आगे आ गया, तो हम लोग आते उस साइड से और हमें ये वाला यू टर्न मारना होता है। बट हर बार की तरह मैं भी हम भूल ही कर देता हूँ, तो हमें चैनॉन की तरफ जाना है, जो चैनॉन है 11 किलोमीटर। सो कोई नहीं, आगे से यू टर्न मार के आगे, क्योंकि वो तीर्थन वैली जाने का ब्रिज तो कभी भूल नहीं सकते, वो ये दिख ही जाता है। बस यहाँ से वो मैं क्लाइम करना है, ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि चैनॉन और लाइडा ही है यहाँ पे। तो हम लोग चढ़ रहे पहाड़ और ऑलमोस्ट लाइट आ चुका है, बट ये देखो जरा प्यारा सा क्या लग रहा है, सनसेट हो रखा है और एकदम लाइट है ना जो फेड हो चुकी है, और पूरा मतलब इतनी सारी लाइट्स दिख रही है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखो, वाव अलग ही है। ओ भाई साहब क्या ठंड लग रही है, खतरनाक ठंड है।
सो चैनन 2 किलोमीटर है अभी, चैनन के बाद कुछ और मीटर, और ये देखो जरा प्यारा सा नज़ारा है ना, तगड़ा दिख रहा है ना, है ना। तो फाइनली शाम के 6 बजे हम यहाँ पर लाइट पहुँच गए हैं और हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि यहाँ पर ठंडी है और रास्ता आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। और ये रही हमारी बाइक, शायद लाइट में लाइट नहीं है इसलिए इतनी अच्छी से नहीं दिख रही होगी, लेकिन चल रहा है। और बस अभी थोड़ा सा ट्रैक है यहाँ पर, और ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने हॉलीडे स्टे पर। और ये बंदा पूछ कर रहा है जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बता। ओके तो मिलते हैं फिर ऊपर या फिर रास्तों में। हाँ तो ये हमारा लाइडिया का रिवाज है पूरा, जैसे कि भाभी सही आ गए। मैं रास्ते में ही ये हमारे जैसे कोई 2 बार कोई आते हैं ना हाँ। तो सेकंड टाइम में मफलर देते हैं हाँ। ये यही लालच दिया था भाई। तीसरी बार का क्या है तीसरी बार का ना हमने इतना सोचा ही नहीं अभी तक भाई, तो चौथी बार का कब सोच रहे हो? आएंगे जल्दी आएंगे सोचूंगा ना अब सोचूंगा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एक एक हमारे लिए ना एक एक वो क्या बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार है उनके लिए वो रखना चाहिए कुछ अलग सा ट्रॉफी। वो सामने अरे जो 10 बार आएगा ना ये लेके जाना। मैं 10 बार चढ़ाई कर लूंगा 10 दिन में। नहीं भैया आप टेंशन मत लो, ये 10 बार चढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। चल अभी जाओ, चलो अभी अभी तो अभी तो बैठने का टाइम है ना। हमने लाइट भी जला रखी है जा? पानी पंख चोली की सती मामा
पानी।